बादाम और ये खाने हम तो रोटी तब भी खाते Hi guys, welcome to my channel, welcome to this new vlog. तो अभी ना आज मैं आई हूँ मम्मा के घर क्योंकि हमें आज वीकेंड पे कुछ यहाँ पे काम था बहुत जरूरी. तो मैं और अभिषेक आए और अभिषेक तो अभी अपनी जॉब पर गए हैं. और मैं जब घर से सुबह निकली ना, हम सुबह सुबह ही चले थे अराउंड 5 बजे के अराउंड जब निकली, मेरे को था कि मैं व्लॉग करूँ बट ओ माई गॉड इतनी ज्यादा बारिश. पहले ये देखो, आपको बारिश दिखाती हूँ, चेक करूँ. तो आपने देखा कितनी ज्यादा बारिश हो रही थी रास्ते में, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि बारिश की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी यार, मेरी आवाज ही नहीं आनी थी आप लोगों को. तो अभी घर पे पहुंचे और अभी हम लोग करने लगे हैं ब्रेकफास्ट. और मम्मा ने बड़ी टेस्टी बेसन वाली परौंठी बनाई है आज, क्योंकि मम्मा के रात का परौंठा ना बहुत ज्यादा यम होता है. और अभी फिलहाल परौंठे से पहले हम लोग तो यहाँ पे खा रहे हैं भिगोए हुए बादाम, और ये खाने से दिमाग भी तेज होगा, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनेंगे. तो अभी बस आपको दिखाती हूँ मेरा वीकेंड व्लॉग है, बने रहना. 2 दिन मस्ती करूंगी बहुत ज्यादा और आपको भी दिखाऊंगी अपना वीकेंड. गाइस अभी हम लोग खाना खा के फ्री हो गए हैं. तो अभिषेक आ गए हैं जॉब से, अभी थोड़ी रेस्ट करेंगे और फिर हम लोग मार्केट जाएंगे. बट यार सुबह की बारिश चल रही है, इतनी ज्यादा बारिश है, मतलब मैंने जाना था बाहर बट मेरे से जा ही नहीं हुआ. तो बस आज तो पूरा दिन बैठ के मैंने और मम्मा ने बातें करी है, बहुत टाइम के बाद ऐसा मौका आया कि मैं और मम्मा बैठ के बातें कर रहे हैं. और अभी बस चलेंगे, थोड़ी देर मार्केट जाएंगे और फिर रात को वापस. हम लोग अभी आए बाहर और अभी ना बारिश बंद हो गई है ऑलमोस्ट. मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कैसा है. मौसम के साथ साथ खा रहे हैं ये भुट्टा. बड़ा यम्मी लग रहा है यार ये तो. चलो गर्म बहुत है, पहले साइड पे लगा के खा लो ना मिस्टर हस्बैंड. चलाते नहीं खाओ. इनको बहुत पसंद है यार, बड़ी पसंद है ना आपको छल्ली. ये कंप्लीट डाइट होती है, ये खा लेनी सारी रात रोटी खाने की. हम तो रोटी तब भी खाते. तो अभी बस थोड़ी सी गिड़ी वगैरह लगा रहे हैं, थोड़ा मार्केट का काम है वो करेंगे. पहले छल्ली खाते हो, मेरा भी इनको देख के ना खाने का दिल कर रहा है यार. ये क्या कॉम्बिनेशन है गोल किसका. मैं अभी थोड़ी खा रही हूँ, गोलगप्पे ठहर के खाने हैं. पहले हेल्दी खा लो फिर गोलगप्पे खा लो, फायदा क्या हेल्दी खाने. गोलगप्पे का पानी बहुत हेल्दी होता है, बताओ होता है कि नहीं. बहुत होता है. सो हम लोग ना अभी आए हैं गिफ्ट शॉप पर और यहाँ पे इतने प्रिटी प्रिटी गिफ्ट्स हैं क्योंकि उज्जवल और नितिका का एक बहुत स्पेशल ओकेजन आ रहा है. उनकी 6 मंथ्स एनिवर्सरी है और उनके साथ साथ 1 ईयर रोका एनिवर्सरी है. तो हमने उनके लिए गिफ्ट पैक करवाए हैं. ये देखो, ये बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट्स उनके लिए पैक हो रहे हैं और ये वाले कप्स भी साथ में पैक हो रहे हैं. और यार मैं तुम लोगों को ना इसलिए बता रही हूँ कि जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक वो ओकेजन निकल चुका होगा. तो इसलिए अगर वो दोनों इस वीडियो में सारा कुछ देख भी लेंगे तब भी उन्होंने तो गिफ्ट्स उनको मिल ही चुके होंगे ना. और गाइस यहाँ पर ना ये कान्हा जी की ड्रेसेस हैं जो इन्होंने खुद के ही डिजाइन करके बनवाई हुई है. दे आर सो प्रिटी, कितने लवली कलर्स हैं यार यहाँ पर. ये देखो, दिस वन इज माई फेवरेट. और इसमें ये वाला कलर भी है और इसमें इधर मैंने देखा था रेड कलर भी है. बहुत प्रिटी है. सॉरी नीचे गिर गई. सो दीज आर वेरी वेरी प्रिटी. मैं इनका कॉन्टैक्ट और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनका लिंक डाल दूंगी नीचे, तो वो जरूर चेकआउट करना. अभी हम निकल आए हैं मॉम के घर से और अभी हम वापस अपने घर जा रहे हैं. हमें बहुत जरूरी काम है कल सुबह वहां पर. पूरा दिन तो आपको पता ही यार कैसे बारिश लगी, लेकिन अब मौसम काफी सही है. Hi guys, good morning. तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग. रात को यार जब हम आए ना तो उसमें थकी हुई थी तो हम लोग सो गए एंड अभी जस्ट उठ के रेडी हुई हूँ एंड जा रही हूँ संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, दैट इज नन अदर देन आलू के पराठे. हाँ आज पूरा दिन भी बहुत मस्ती होने वाली है, तो बने रहना मेरे साथ. फिलहाल जाती हूँ ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ क्योंकि यार भूख सबको लग गई है 10 बज के और अभी तक कुछ खाया नहीं है. तो फटाफट जाके ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ. हे
हे गाइस, तो नाश्ता करने के बाद यार मैं सो गई और इतना संडे वाला सोई हूँ ना, मतलब बहुत ज्यादा सोई मैं। तो अभी उठे हैं और अभी आपको पता है कि आज पार्टी है, दो ओकेजन जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो हम लोग रेडी होने लगे हैं और उस पार्टी पे जाएंगे तो आपको भी स्निपेट्स दिखाऊंगी, बड़ा ज्यादा मजा आएगा। एक छोटा सा ओकेजन एक स्पेशल ओकेजन बन जाता है। तो हम लोग अभी रेडी होके फटाफट से उनके पास जा रहे हैं और फिर सेलिब्रेट करेंगे, तो आप भी मेरे साथ बने रहना। तो हम लोग अभी रेडी होके निकल चुके हैं, मी एंड हिम। तो अभी वो लोग हमारी वेट कर रहे हैं। टाइम वैसे हम लोग टाइम पे, आज हम लोग लेट नहीं हुए, मुझे लगा था हमेशा ही टाइम पे होते हैं यार, आज तक वो भी लेट क्या। तो अब जाते हैं वहां पर, पार्टी शार्टी एंजॉय करते हैं। ये पिक कर लिया हमने इनका केक, जो बहुत सुंदर बनाया है, वेरी प्रिटी केक, और आई एम श्योर इट वुड बी टेस्टी ऑल्सो। और हम जा रहे हैं अब आगे वेन्यू पर। सो हम लोग पहुंच गए हैं, हियर इज द केक जो दिखा चुकी हूँ, और ये देखो, ओ माई गॉड, हैवी है मर्द को कुछ हैवी नहीं लगता। आपको दिखाती हूँ वेन्यू। वी आर एट फॉर्च्यून। बेचारे कब से ऑर्डर देने पे लगे हुए हैं बेचारे दोनों, जिनकी ओकेजन है। बाय द वे स्मार्ट लग रहे हैं दोनों, इधर बैठी है सारी फैमिली बेचारे फिर से फोन पे। अरे यार ऑर्डर देख लो, मेन्यू देख लो, काम काम कर रहे हैं काम। जो तो दिल में है वो बता, प्यार ही प्यार। ओहो हो, चलो अच्छे से कोई बातें बोलो, जितनी मतलब मेरी तेरी तेरी जितनी अच्छी, थोड़ी ऊंची बोलना पड़ेगा, मेरी जितनी अच्छी है हां मतलब उतने ही अच्छे में जीत जो है। अच्छा बोलो जोर बोल। आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों दीदी जीजू क्या मेरी लाइफ में आए। ओहो ये तो पहले से थी तेरी लाइफ में जीजू आए। बहुत अच्छा, जो मैं कहना चाहता हूँ नितिका जो भी मंगलम चाहिए, बहुत अच्छा फील होंदा है जो भी जाइए, इन्ने प्यार ना इन्ने सत्कार ना, मतलब फोन करके खुद बुलाती जीजू आए नहीं सैटरडे सैटरडे सैटरडे, और ना जाओ तो लड़ती भी, ना जाओ तो मैं फोन पे कहने की कहना नहीं मंदे, इदा होगा लड़ती भी है, नाराज भी होती आई नहीं। उस पर यू आर वेरी लकी टू हैव हर, यू आर आल्सो अपने जैसे तुम साथ में रहे हो, इतनी अच्छी सक्सेस आगे पा रहे हो, भगवान करे तुम्हें बहुत बहुत सारी खुशियाँ, नेवर एंडिंग सक्सेस, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ। थैंक यू गॉड ब्लेस। थैंक यू दीदी। चलो मॉम डैड, ये हो रहा है कि उनके बारे में एक दो लाइनें बोलते हैं क्योंकि उनकी शाम है ना आज। कोई बात नहीं, मेरे प्यारे बच्चे दोनों ही, मुझे लगता है नीति का मुझ पे गई है, ये मम्मी पे गया होगा, ठीक
क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ वैसे करती है, जैसे वो कहती है मैं भी कोशिश करती हूँ। हमेशा खुश रहो बेटा। थैंक यू पापा। एक लाइन, खुश रहो बेटे, आपकी सभी मुरादें पूरी हुई हैं। जब से ये हमारे मंगलम में आई है हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हमें ऐसी बेटी मिली है। भगवान इनको पूरी खुशियां दे और ये हमेशा मुस्कुराते रहे। वाह क्या बात। चलो अंकल आंटी जी बात की तो अभी मिट्टी का तो मालूम है कैसी है, अच्छी है, कैसी है? कम अच्छी है कि ज़्यादा अच्छी है या उज्जवल? बहुत अच्छा बच्चा। हम ये चाहेंगे दोनों बच्चे हमेशा अंडरस्टैंडिंग बना के अपने पेरेंट्स के साथ हमें खुश रहें, अच्छे रहें, ताकि पूरी जिंदगी अच्छे रहें। अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करें और वहाँ से प्यार लें और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रहें। अब तो बोलना ही पड़ेगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैनू अपनी बेटी तो हर क्यों अपनी अच्छी लग रही है, मैनू अपना दिमाग भी बहुत अच्छा मिल गया है। और इस तो भी ज्यादा मैं खुशकिस्मत हूँ जिस परिवार से हो गई है कि परमात्मा करे ये प्यार हमेशा बनया रहे। बहुत मदद जगह ही प्रार्थना करती है ये परिवार का प्यार, साडा आपसी प्यार हमेशा बनया रहे। थैंक यू सो मच आंटी जी। चलो जी बस सभी अपने अपने लिए एक प्रार्थना कर लो। थैंक यू। सो इतना अमेजिंग डिनर करने के बाद हम लोग वापस ही जा रहे थे कि हमें ये मिल गया फिर से ये इंसान जो हर जगह हमारे पीछे आ जाता है। हिंदी बोलना। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे फैंस वहीं कहीं होते हैं। फैंस? यू मीन हम आपके फैन हैं? ये हमारे फैन हैं। ओह माय गॉड। चलो नाइस मीटिंग यू हियर। सो इतना मस्त सा डिनर करने के बाद और घर वालों सबके साथ एंजॉय करने के बाद हियर कम्स एन एंड टू माय वीकेंड। और अभी हम लोग बस घर के लिए रवाना हो रहे हैं। आई रियली होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना कैसा लगा एंड सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, और शेयर भी करना। फिर से इतने सारे काम गिराने पड़ते हैं ना करने वाले। तो चलो ठीक है, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड कीप स्माइलिंग विद मी।